कसाई हजरात दो गलतियां करते हैं, एक तो ये कि वो जानवर की चार रगे काटने के बाद मजीद काटते हैं फिर, और अंदर नरखरे में उसके चाकू मारते हैं ताकि जानवर जल्दी ठंडा हो जाए। ये अमल गलत है, इसका नुकसान ये कि जानवर को तकलीफ भी बहुत होती है। नंबर दो, उसका ब्लड सही तरह से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि चार रगें काटेंगे हराम मगज का कनेक्शन बरकरार रहेगा, तो उससे जो दिमाग को सिग्नल मिलता रहेगा और दिमाग इमरजेंसी नाफिस कर देता है, जिससे जानवर तड़पता है और ब्लड सारा बाहर निकल जाता है उसका। तकलीफ नहीं होती जानवर को, हमें लगता है कि बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन इतनी होती नहीं है जितना नजर आ रहा होता है। उसकी वजह है कि जब हम जानवर की ये रगें काटते हैं ना, तो ये जो दिमाग है ना, उसको ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, समझ रहे हैं? जब दिमाग को ब्लड की सप्लाई बंद होगी तो दिमाग सोचना छोड़ देता है। दिमाग का सिर्फ वो हिस्सा काम करता है जो कुदरत ने हादसात के लिए रखा हुआ है। अभी तो दिमाग काम कर रहा है ना आप लोगों का, जो नॉर्मल वाला दिमाग भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर समझें ये बात को। आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा हम चाहते हैं, रिफ्लेक्ट एक्शन का नाम सुना होगा आपने, हमने तो 9th क्लास में पढ़ा था। वो एक एक्शन होता है कि लाशरूरी हरकतें, आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे आता है, आपको पता भी नहीं होता, आप हाथ खींच लेते हैं। अल्लाह ने हमारे दिमाग में एक ऐसा हिस्सा रखा है जो सोचता बाद में करता पहले, समझ रहे हैं? यानी हमारे सच्ची जो सामने वाला दिमाग है ना, उसके सोचने से पहले वो काम कर चुका होता है। उसकी हिस्सा अल्लाह ने बहुत तेज रखी है, वो हमें हादसे से बचाने के लिए, क्योंकि हादसात में ऐसा होता है कि अगर आप सोचना शुरू कर दोगे तो हादसा हो चुका होगा। गर्म चीज पे हाथ आया काफी देर के बाद, ये स्त्री किसी ने रख दी, काफी देर के बाद आपको महसूस हुआ, तो उस वक्त तो भिड़खड़क हो चुका होता। आप देखें कोई अचानक खौफजदा चीज सामने आती, हम एकदम से उछल जाते हैं, हालांकि अभी नियत नहीं की होती उछलने की, उछल पहले चुके होते हैं जिन बात में देखा होता है हमने, और फिर ये तो बहुत बाद में पता चलता है कि सच्ची मुच्ची का जिन भी नहीं है, ये तो एक हफ्ते बाद पता चलता है। तो बहुत सी हरकतें हमारी ऐसी होती हैं। तो जानवर में भी जब हम चार रगें काटते हैं तो उसका जो दिमाग, जो दर्द महसूस करने वाला हिस्सा है ना, वहां ब्लड का सर्कुलेशन खत्म, वो सुन हो जाता है, लेकिन वो हिस्सा जो इमरजेंसी नाफिस करने वाला है, वो इमरजेंसी में जो ऑर्डर देने वाला हिस्सा, वो काम करता रहता है, वो हराम मगज की वजह से उसका कनेक्शन बाकी रहता है। वो बॉडी को मैसेज देता है कुछ खतरा हुआ, बॉडी तड़पती है, तो तड़पने से क्या होता है कि ब्लड अच्छी तरह निकल जाता है। कसाई क्या करते हैं, वो नोक लेके हलक में मारी उसके, तो वो जो उससे वो रग कट जाती है हराम मगज वाली, जिससे दिमाग का मुकम्मल कनेक्शन बॉडी के साथ खत्म हो जाता है, समझ रहे हैं? इससे बॉडी तड़पना खत्म कर देती है, ब्लड अच्छी तरह से जानवर का निकलता नहीं है। तो ये तरीका मकरूह है, नापसंदीदा है, शरीयत ने जो ज़बह का तरीका बताया है उसके खिलाफ है।